हे गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है मेरे पास रेडमी नोट 10T 5G फ़ोन। ओके, तो इस फ़ोन में अभी गूगल लॉक लगा हुआ है, मतलब हार्ड रीसेट करने के बाद जीमेल आईडी पासवर्ड आप अगर भूल जाते हैं किस तरीके से लॉक को मतलब फ़ोन को ऑन करना है वो बताऊंगा आज इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल आप न्यू आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं MIUI 12 लिखा हुआ है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको एक एरो मिल रहा है, इस पर प्रेस करना है। ओके, उसके बाद इंग्लिश है, यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद इंडिया है, इंडिया पे भी नेक्स्ट करते हैं। सेटिंग रीजन, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आई हैव रीड टर्म एंड कंडीशन, इसे टिक करके यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए इंसर्ट सिम कार्ड, तो सिम कार्ड अभी मुझे नहीं डालना है, यहाँ पे नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे ऐड नेटवर्क, इस जगह पे दोस्तों आपको कोई भी वाईफाई कनेक्ट कर लेना है, आपके पास अगर कोई फ़ोन है तो उससे वाईफाई कनेक्ट कर लीजिए हॉटस्पॉट ऑन करके। यहाँ पे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्टेड हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और यहाँ पे अभी आपको दिखा देते हैं इस फ़ोन में आपका जीमेल आईडी और पैटर्न लगा हुआ है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्टली ओपन करके आपको दिखा देंगे। ये देखिए नेक्स्ट, डोंट कॉपी, ये देखिए पैटर्न लगा हुआ है। और गूगल अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पे स्किप का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है, एक बार दिखा देते हैं, वेट करते हैं। ये देखिए स्किप का ऑप्शन नहीं आया, सिंपली बैक करते हैं। ओके, और ये वाईफाई वाला जो पेज है इस पर चल जाना है। और यहाँ पे ऐड नेटवर्क जो है ना, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद SSID है, यहाँ पे टैप कीजिए www.youtube.com। ओके, इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे टाइप करने के बाद टैब एंड होल्ड करके रखिए, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सर्च के बाद यहाँ पे डबल सर्कल जो है ये लिंक वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे YouTube ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं YouTube ओपन हो चुका है। प्रोफाइल वाला पेज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्प सेटिंग जो है, सेटिंग पे क्लिक करना है। हिस्ट्री एंड प्राइवेसी है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हैं YouTube टर्म ऑफ सर्विस, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोम ब्राउज़र ओपन हो गया है, यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कीजिए और यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऐड अकाउंट है, ऐड अकाउंट नहीं करना है, यहाँ पे नो थैंक्स करना है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओपन हो गया पेज। ऊपर में यहाँ पे बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे टैप कीजिए और जो भी यहाँ पे लिखा हुआ था सबको कट करके यहाँ पे आपको टाइप करना है FRP। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। ओके, FRP फाइल डॉट कॉम, rpfile.com/bypass। ये दोस्तों यहाँ पे टाइप करने के बाद यहाँ पे सिंपली सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पेज ओपन हो जाएगा जो कि FRP फाइल करके है। स्क्रॉल अप कीजिए और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग ऐप। ओके, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप अपने फ़ोन के सेटिंग में चल जाइएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैं आ चुका हूँ। ओके, सेटिंग में अब यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं स्पेशल फीचर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड स्पेस नहीं है, सिंपली बैक करना है। और यहाँ पे ऐप जो है, ऐप पे क्लिक करना है, मैनेज ऐप है, मैनेज ऐप में क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको एक जीमेल मिल जाएगा। ओके, ये जीमेल पे क्लिक करके यहाँ पे नोटिफिकेशन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन की अप कीजिए और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन देख सकते हैं एडिशनल सेटिंग इन द ऐप है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिपल डॉट है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आ गया है हेल्प एंड फीडबैक, इस पर क्लिक करना है। ओके, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको टाइप करना है डिलीट, DEL टाइप कीजिए। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ आ जाएगा। फर्स्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं डिलीट और डिजेबल ऐप ऑन एंड्रॉयड है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन टैप टू गो टू एप्लीकेशन सेटिंग है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप इन्फो में आ गया है।
अब यहाँ पे ट्रिपल डॉट जो है मोड का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके शो सिस्टम है ना मिडिल में, इसको प्रेस कर देना है। ओके, प्रेस करने के बाद कुछ इस प्रकार से ये आ जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं एंड्रॉयड सेटअप है, इस पर क्लिक कीजिए, इसको डिजेबल कर दीजिए, डिजेबल ऐप। ओके, बैक करना है और उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड्रॉयड सेटअप करके जो है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे फोकस स्टॉप कर देना है। ओके, फोकस स्टॉप कर दिए, बैक करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल अप करना है और यहाँ पे सी से कैरियर सर्विस करके आ जाएगा। ये देखिए प्ले स्टोर का तरह जो सिंबल है, इस पर क्लिक करना है और इसको भी दोस्तों यहाँ पे आपको डिजेबल कर देना है। डिजेबल कर दिए, अब बैक करते हैं और फिर स्क्रॉल अप कीजिए। यहाँ पे गूगल प्ले सर्विस होगा जी से, तो ये सी डी ई एफ, ये देखिए गूगल प्ले सर्विस है। ओके, इस पर क्लिक करके इसको भी दोस्तों यहाँ पे डिजेबल ऐप कर दीजिए। इसके बाद बैक करते हैं और इसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है जो कि है सेटिंग। तो एस में जाना है सबसे पहले, ये एस में चले गए और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सेटिंग है, ये वाला आइकन देख लीजिए ध्यान से। ओके, ये वाला, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, थोड़ा स्टोर है एंड कैच, तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लियर कैच करना है याद से। हाँ, ओके, क्लियर कैच कर दिए। उसके बाद यहाँ पे बैक करना है, बैक करने के बाद यहाँ पे ओपन जो है ना, ओपन कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटिंग के अंदर फिर से आ गए। अब यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग जो है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एसेबिलिटी करके एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आपको एसेबिलिटी मेनू है, इस पर क्लिक करके इसे ऑन कर देना है। ओके, ऑन करने के बाद यहाँ पे अलाउ कर दीजिए, ओके कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आदमी का तरह फोटो आ गया है, ये देखिए मैं जूम करके कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने का, तो ये आ गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अब सिंपली बैक करना है। ओके, ये देखिए कुछ इस प्रकार से बैक करते रहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो टर्म एंड कंडीशन वाला पेज में आ गए। ओके, अब यहाँ पे फिर से टिक करके यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपका वाईफाई तो ऑटोमेटिक कनेक्ट है, ये देखिए नेक्स्ट करते हैं, वाईफाई ऑटोमेटिक कनेक्ट है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको फॉलो करना है। ओके, ये जो आदमी वाला है इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर गूगल असिस्टेंट है इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन आएगा, ठीक है, ये प्रोसेस करते जाना जैसे मैं कर रहा हूँ। ये देखिए सेटिंग आ गया, सेटिंग पे टैप करना है, खुलेगा। ओके, ये हर बार नहीं खुलता है, 10 बार में एक बार खुल सकता है इस तरीके से। दोस्तों आप यहाँ पे टैप कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, ये देखिए खुल के वो वापस चला गया। ओके, खुल के रहेगा, जल्दी जल्दी 2-3 बार कीजिए, ये देखिए फिर चला गया। यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों आपको मेहनत करना पड़ेगा, ये प्रोसेस कर लीजिएगा तो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटिंग में आ चुके हैं। ओके, यहाँ पे अब आपको एक चीज़ करना है, ये जो इनेबल है इसे डिजेबल कर दीजिए, डिजेबल हो गया, बैक कीजिए। मोर, एक्सेप्ट,
यहाँ पे आप देख सकते हैं MI अकाउंट, फ़ोन नंबर, यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ गया। देखिए जो भी किए आपके सामने किए, ओके स्किप कर दिए, वीडियो स्किप नहीं किया हूँ। यहाँ पे देखिए स्किप करते हैं, फिंगरप्रिंट मांग रहा है, मुझे स्किप करते हुए निकल जाना है, जो भी मांगेगा एग्री। और यहाँ पे क्लासिक यस, और यहाँ पे देखिए सेटअप कंप्लीट यस। तो काफ़ी इजी प्रोसेस है फ्रेंड्स, ये वाला आप यूज़ कर सकते हैं, 100% आपका काम करेगा। बाकी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और कोई भी मन में क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका और भी दोस्तों मैं काफ़ी सारा वीडियो बनाया हूँ अपने ओल्ड चैनल में, टेक्नो मास्टर जी चैनल है। ये देखिए फ़ोन भी ऑन हो गया, ओके। तो टेक्नो मास्टर जी चैनल में मैं अनबॉक्सिंग, रिव्यू, टिप्स एंड ट्रिक्स, फ़ोन के बारे में हर चीज़ डिटेल में बताता हूँ। आप अगर उस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑन हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों ऑन होने के बाद आप लोग को एक छोटा सा प्रॉब्लम आ सकता है, जो आदमी वाला है आप देख सकते हैं ये ऑन है, इसको ऑफ़ करना सीख लीजिए पहले। ये सेटिंग में जाइएगा, ओके, और फिर वही एडिशनल सेटिंग में जाइएगा, और यहाँ पर एसेबिलिटी जो है ना, इस पर क्लिक करके यहाँ पर एसेबिलिटी मेन्यू है, इसे ऑफ़ कर दीजिए। ऑफ़ करते ही ये चला जाएगा, ओके, एक प्रॉब्लम सॉल्व। और दूसरा प्रॉब्लम आप लोग को ये लग रहा होगा कि फिर से रिबूट करेंगे तो फ़ोन लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी आपके सामने मैं फ़ोन को रिबूट करता हूँ, देखता हूँ ये लॉक होता है या नहीं होता है। 100% दोस्तों ये फ़ोन ऑन हो चुका है, ये देखिए प्रूफ भी दिखा दे रहे हैं। ये है मेरे पास रेडमी नोट 10T 5G फ़ोन, ये ऑन हो रहा है फ़ोन, ओके ऑन होने देते हैं। बाकी दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जब तक फ़ोन ऑन हो रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और लाइक करते हुए कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा या नहीं लगा, ओके। ये देखिए फ़ोन ऑन हो चुका है, तो हो गया ना फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू गाइस।